chicos y bienvenidos. Welcome, mi pyar pyar viewers, me la pyar para salam. Usama Shirazi, Aisha Shirazi, Umar Shirazi, kya khabat hai hazir. आज हम बनाएंगे वाटरमेलन यानी कि तरबूज का शरबत. बहुत ही मज़े का बनता है, रमज़ान स्पेशल है तो आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा. बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है. तो आप रमज़ान में इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि ये ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कैसे बनाई जाती है. तो यहाँ पर कुछ इन्ग्रीडियंट्स है. तो ये मैंने लिए तरबूज 1 किलो और इसको मैंने पहले ही फ्रीज़ कर लिया था. आप लोगों ने शरबत में ना बर्फ़ डालनी है, तो बर्फ़ आप लोग नहीं डालनी है. आप तरबूज को ठंडा कर लें और ये आप जब शरबत बना लें उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख लें. तो ये मैंने 1 किलो लिए तरबूज और 1 कप हम लोग लेंगे चीनी, 100 ग्राम चीनी लेंगे हम लोग 1 कप. तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत होगी आज की ये ज़बरदस्ती रेसिपी बनाने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो लेट स्टार्ट. सो वैसे हम लोग ले लेंगे कोई सा भी जूसर जार जो नॉर्मली आप लोग के घर में मौजूद हो और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग तरबूज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो कुछ इस तरीके से हम लोग तरबूज ऐड कर देंगे. सो वैसे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी वजह से आप लोग गर्मी को दूर भगा सकते हैं. और गर्मियों में, रमज़ान में, इफ्तारी में इसका मज़ा ले सकते हैं. सो वैसे हम लोग ने ट्रांसफ़र कर लिया किसी भी जूसर जार में. तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो चीनी हम लोग ऐड करेंगे और अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से जूस बना लेंगे इसका. तो चलिए अब तब मिलते हैं जब हम इसे अच्छे तरीके से इसका जूस बना लेंगे. सो वैसे अभी एकदम रेडी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. तो साथ में मैंने ले लिया एक गिलास, इसमें अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे. सो वैसे सबसे पहले हम लोग गिलास के अंदर ऐड करेंगे जूस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब सेकंड गिलास में. तो तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, वो ऐड करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो ये शरबत बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है. तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज होंगे. तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ. और अगर आप नए हैं चैनल पर तो कांडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा. बहुत सारा प्यार. अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में जो आइकॉन है उससे आने वाली मेरे हर रेसिपी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. अल्लाह हाफिज़.